हेलो जय हिंद स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, यू नो दैट वी आर रीडिंग चैप्टर 12 टाइम एंड कैलेंडर, एंड टुडे आवर टॉपिक इज टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन मीन्स क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन मीन्स समय की अवधि, जो एक पीरियड होता है। मतलब कि हम एक पीरियड आप सब पढ़ते हैं, पीरियड तो उसका जो ड्यूरेशन होता है, अवधि होता है, उसे टाइम ड्यूरेशन कहते हैं। जैसे 30 मिनट्स का पीरियड हुआ आपका, 40 मिनट्स का पीरियड हुआ, उसे ही हम टाइम ड्यूरेशन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट बेल आपका 40 मिनट्स हुआ, तो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? आपका फर्स्ट बेल का टाइम ड्यूरेशन कोई पूछेगा आपका फर्स्ट बेल का टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो आप बताएंगे कि 40 मिनट्स, यानी कि 40 मिनट्स होता है। ओके बेटा, पूरे स्कूल टाइमिंग आपका क्लास का ड्यूरेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है? सुबह मान लीजिए 9 AM से स्कूल शुरू हुआ आपका, और 2 PM तक चला, 2 PM तक चला आपका स्कूल। तो इसके बीच का जो समय है 9 AM से लेकर 2 PM तक, तो 2 PM तक चला तो कितना हुआ? 2 PM को हम 14 भी लिख सकते हैं, 14, क्योंकि 12 के बाद 1-2 आएगा, तो 12, 13, 14 लिख सकते हैं। रेलवे टाइम जो 14 है, जो रेलवे टाइम होता रहता है ऐसे ही होता है, 14 लिख सकते हैं। तो 14 - 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ कैरी कैरी 14 होगा, 14 है ही है, 14 - 9 जाएगा, कितना होगा? 5 होगा। तो आपका ड्यूरेशन कितना हुआ, टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ? स्कूल टाइम ड्यूरेशन मान लीजिए 9 बजे से लेकर 2 बजे तक स्कूल चला है, ठीक है, तो आपका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? टाइम ड्यूरेशन 5 आवर हुआ, कितना हुआ? 5 आवर्स हुआ। ठीक है बेटा, 5 आवर्स हुआ, 5 घंटे आपका स्कूल चला है। ठीक है, ये आपका स्कूल का ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन। ओके, इसी को हम टाइम ड्यूरेशन कहते हैं। समझ में आ गया? आप समझ गए होंगे। ठीक है, मान लीजिए आप घर से निकले गोरखपुर जाने के लिए, आप 8 o'clock का घर से निकले मॉर्निंग में, 8 AM से घर से निकले गोरखपुर जाने के लिए, आप गोरखपुर पहुंच गए कितने बजे? 12 बजे। ठीक है, 12 PM तक। अब आपका टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना लगा? टाइम ड्यूरेशन क्या होगा इसका? टाइम ड्यूरेशन होगा 12 - 8 कर देंगे, कितना होगा? 4। तो टाइम ड्यूरेशन घर से निकल के चलने गोरखपुर पहुंचने में आपका समय कितना लगा? टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? 4 आवर्स। कितना? 4 आवर्स। समझ में आया? 4 आवर्स। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लेट्स ट्राई 3 देखते हैं। क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई 3। लेट्स ट्राई थ्री। लेट अस लुक एट द डेली रूटीन। Daily routine of any, and answer the following question.
answer the following questions. Sir, I look at the, let us look at the daily routine. डेली रूटीन देखिए बेनी का और जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर देना है. ओके बेटा, कह रहा है वेनी गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. वेनी जो है कितने बजे गेट अप होती है? वेनी गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. सुबह में 6 बजे जग जाती है. वेनी सुबह में 6 बजे जगती है. And leaves for school at 7 o'clock. और स्कूल के लिए 7 बजे निकलती है. ठीक है. She reaches school at 8 o'clock and comes back home at 12 o'clock in the afternoon. वह स्कूल 8 o'clock पर पहुंचती है और फिर स्कूल से घर वापस 12 o'clock पर आ जाती है. 12 p.m. आ जाती है afternoon. ठीक है. After coming home, घर आने के बाद, स्कूल से घर आने के बाद, after coming home, she played with her doll house from 3 o'clock to 4 o'clock. घर आने के बाद वह 3 o'clock से 4 o'clock तक अपने डॉल से खेलती है. ठीक है, ध्यान दीजिए. She does her homework from 4 o'clock to 7 o'clock. उसके बाद से वह अपना होमवर्क करती है 4 o'clock से लेकर 7 o'clock. ओके बेटा, होमवर्क 4 o'clock टू 7 o'clock और खेलना उसका 3 o'clock से 4 o'clock. रिपीट कर रहे हैं, सुबह जगना 6 बजे, स्कूल पहुंचना 7 बजे, स्कूल घर से जाना 7 बजे, स्कूल पहुंचना 8 o'clock, स्कूल से वापस आना 12 o'clock. ओके. सी इट्स her dinner from 8 o'clock to 9 o'clock. She eats her dinner from, वह अपना dinner रात का भोजन कितने बजे से कितने बजे तक करती है? बीच 8 o'clock to 9 o'clock, 8 o'clock to 9 o'clock कर लेती है. ठीक है. She goes to sleep at 10 o'clock. वह सोने कब जाती है? 10 o'clock पर जाती है. Time duration for homework. अब क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, अब यहाँ क्वेश्चन हम उसका आंसर देंगे. ये क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम ड्यूरेशन का होमवर्क. टाइम ड्यूरेशन फॉर होमवर्क फॉर टाइम ड्यूरेशन फॉर होमवर्क. टाइम ड्यूरेशन फॉर होमवर्क. होमवर्क जो करती है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? ओके बेटा, तो होमवर्क कितने बजे से कितने बजे तक करती है? 4 o'clock टू 7 o'clock. उसका ड्यूरेशन कितना है? टाइम ड्यूरेशन कितना है? 4 से 7 o'clock तक करती है. तो 7 माइनस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3. 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3. तो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा? 3 आवर्स. 3 आवर्स. ओके बेटा, 3 आवर्स लिख देंगे. ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. टाइम सी स्पेंड इन स्कूल एवरी डे. क्वेश्चन, टाइम टाइम सी स्पेंड इन स्कूल एवरी डे. प्रत्येक दिन वो स्कूल में कितना टाइम स्पेंड करती है? तो बेटा स्कूल में कितने देर तक रहती है? सी रीच स्कूल एट 8 o'clock. 8 o'clock से 12 o'clock का, 8 o'clock से 12 माइनस
एट कर देंगे, इसको तो फोर फोर आवर, फोर आवर्स, फोर आवर वो है फोर आवर्स स्कूल में टाइम स्पेंड करती है फोर आवर, ठीक है ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग डज सी स्लीप, फॉर हाउ लॉन्ग डज सी स्लीप, फॉर हाउ लॉन्ग डज सी स्लीप, मतलब वो कितने देर तक सोती है इसका। तो अब देखिए 10 o'clock पर चली जाती है सोने, 6 o'clock पर गेटअप होती है, फिर हम ऊपर जाएंगे। पहले ये भी तो याद रखना होगा कि वो कितने बजे सोकर उठती है, 6 o'clock पे, ठीक है बेटा। तो हम रेलवे टाइम के अनुसार चलते हैं, 10 o'clock से 12 हो गया, 12 से 6 पर जाने के लिए मान लीजिए ये 12 है, ये 12 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 o'clock आएगा, यानी वहां जल्दी है, यहाँ 10 11 12 यहाँ से छुट्टी है, ठीक है बेटा। तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको 12 है इसको 1 को 13 लिख सकते हैं, इसको 14 15 16 17 18 इजी के लिए, बहुत आसानी के लिए लिख सकते हैं। अब 18 माइनस 10 कर देंगे, 18 को पहुंचा, 18 माइनस 10 किए तो कितने आवर्स हुई, वो 8 आवर्स, कितने आवर्स हुई वो 8 आवर्स, तो 8 आवर्स हम लिख सकते हैं ओके बेटा, 8 आवर्स लिख सकते हैं ओके। ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, सुमन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग डिनर फॉर ए पार्टी 4 o'clock एट द एंडेड एट 9 o'clock, हाउ लॉन्ग डिड सी टेक प्रिपेयर्ड डिनर, राइट योर आंसर इन द गिवन बॉक्स, बॉक्स में आपको आंसर लिखना है, दो क्वेश्चन आप करिएगा 2 and 3, thank you, have a nice day.